इनको है ना 76 लाख लोग फॉलो करते हैं, और कल किसी ने मुझे कमेंट करके बोला भैया देखो तो जरा भाई साहब बोल क्या रहे हैं, और मैं ज़्यादातर इनकी टांग खींचता रहता हूँ क्योंकि इनके काम ऐसे हैं। आज हमारे ऑफिस में कांड हो गया है, क्या हो गया गुलू भाई? यहाँ है ना मतलब इनने तूफान मचा दिया कितने एक साल बाद कूलर खराब हो गया, कल धुआं निकल पड़ा कूलर में से, यूल भाई परेशान है, सारा काम धंधा छोड़ के स्ट्राइक पे बैठ गए। हाँ बता ना, भूल गए, बहुत सारे देखो यहाँ बॉलीवुड आ चुके हैं और ये पूरे वॉल्यूम्स पैक करने हैं, और इनमें बहुत मेहनत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है। अरे दो क्यों लगा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे जाना है अपन को। गर्मी होती है काम दवा काम ही करता है200 रुपए लग गए इसके बिना मतलब के, लेकिन काम जो ना बहुत छोटा सा था। जो स्विंग स्विंग मशीन होती है ना, जो काट के वहाँ पे टाइपिंग कर दी बस उसका। चलो ठीक है, प्लास्टिक में से करंट आ रहा था जिसने सही किया उसको करंट लग गया। और ये देखो यहाँ पे हमने ये लगा के गए थे, कूलर खराब है चालू मत करना। गजब ही मौसम हो रहा है आज तो, इस तरह का जो मौसम है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है ना, हल्की हल्की बारिश होती रहती, धूप निकलती रहती है, और पूरा उमस होता है, गर्मी होती है, और काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। फिर देखो अभी भी हाथ में पसीना आ रहा है। ब्लॉगिंग में एक ही शर्त पे शुरू करूंगा, लेकिन कूलर बंद रहेगा तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, वरना मैं बंद कर रहा हूं ब्लॉगिंग पूरी। उमस बहुत भयंकर हो रही है, और है ना ये देखिए ये पूरा भरा पड़ा है, वो वहां से निकल रहा है, कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, तो आप लोग सोच सकता है सोच रहे होंगे कि काम हम सब रुका पड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है काम, बल्कि अपनी डबल स्पीड से चल रहा है। जो सामान आना था वो आ रहा है, जो जाना था वो जा रहा है, और हमने है ना यहाँ पर देखो रैक बढ़ा लिए। जिन लोग मतलब जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 रैक कम थे, मतलब बीच में हमारा कोई रैक नहीं था, लेकिन अभी जो है वो 2 रैक और लगा लिए हैं। अब मैं ना गुड बॉय बन गया हूँ, मतलब मैंने सारी कोल्ड ड्रिंक सबको त्याग दिया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिस आके ना पानी पीता हूँ, वो भी सादा ठंडा भी नहीं। आओ गुल भाई अनबॉक्सिंग करें। मुझे आना क्या भाई? और अनबॉक्सिंग तो आप करोगे, अरे कैमरामैन हूँ मैं कैमरामैन हूँ। तो ये 2 पैकेट आए, एक ये है और एक ये है, कोई जल्दी ऐसे कुछ बड़ा सा पैकेट जल्दी आने वाला है जिसमें अपना एक एसी होगा। अच्छा मैंने सोचा कौन सा पैकेट की बात कर रहे हो पता नहीं, लेकिन हाँ एक चीज और है, जो हमारा यहाँ पर सिग्नेचर बाबा साहब की फोटो है ना वो आज चेंज हो जाएगी। अच्छा नहीं मतलब ये चेंज नहीं होगी, हम एक और ये वॉल सजाएंगे इस बार। जो ये इतने सारे थर्माकोल ज्यादा सेफ्टी से नहीं भेजा उन्होंने, तो इसके अंदर देखो क्या है, इसमें भारत के संविधान रखे हुए हैं। अरे स्मगलिंग कर रहे हैं हम गोल्ड की, देखो गोल्ड ये चमक रहा है बिल्कुल एक एक चीज। ये बोलो मैं आपसे पूछूं आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा है? अरे कुछ ऑप्शन तो दो। चलो आप बाद में बात करेंगे। किताबें वगैरह हैं जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली इस चीज़ के लिए हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जातिवाद इस पूरे भारत में फैला हुआ है ना वो लोगों को भी पता चले, और जितने भी बहुजन महानायक हैं जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आप सुनते आए हैं, लेकिन उनकी किताबें जब आप पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उस ज़माने में क्या होता था।
आज ऐसा बोला जाता है कि पढ़ लिख लो तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और ये आज के जमाने में ये सब चीजें नहीं होती हैं। गेट पे है ना पीपल के पत्ते वगैरह, आम के पत्ते वगैरह लगाने का, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रतीक, पुराने प्रतीकों को तोड़ेंगे, तो ये गजब की चीज है। ये मैंने पहले देखता था दीपावली का लिखा रहता था ज्यादातर घरों में, सब दीपावली इस तरह पे होते थे। एक इधर लगा दो, एक उधर लगा दो, है ना। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमें ना यहाँ थोड़ी साफ सफाई की जरूरत है, और बाकी हमारा पुताई उताई वाला काम जो है ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है अम्बेडकर जी, ये कुछ नया चीज़ है जो हमने इससे पहले नहीं मंगवाया, और युगल भाई खोल रहे हैं, पहले मैं देख लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। वो टूटी हुई है ना, पत्थर की कुछ और, बहुत बुरी हालत में आई है। कारण होता है हम है ना स्टैचूज वगैरह नहीं मंगाते हैं। आओ उधर रख के चिपकाएं जरा, फैतू गया आपके पास? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फैतू चिपकाएंगे ना तो थोड़ा बहुत काम तो बन जाएगा, और यही कारण है मैं ना स्टैचू बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये ना अगर इस तरह से टूटी हुई निकलती है ना तो मन खराब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर हम आपको कुछ भेज रहे हैं और अगर वो टूट जाता है ना तो हम 100% आपका पैसा रिफंड करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना, जो नुकसान है वो हमारा है, आपका प्रॉफिट ही होगा। मैं इसकी बात कर रहा था, ये एक नई चीज आई है, इस सारे के सारे जो है ना बाबा साहब के रियल फोटो हैं। ये तो देखा ही नहीं मैंने आज तक, ये देखा नहीं आपने? जब उनकी वाइफ, पहली वाइफ जब एक्सपायर हुई थी उस समय का है, उनको माइग्रेन हो गया था। है कि ये जो फोटोग्राफ्स है ना उसको इस वाले वॉल पे लगाएं, क्यों लगाए? फ्रेम कराते हैं और इस ब्लू वॉल को ब्लैक एंड वाइट के साथ कॉन्ट्रास्ट लगा के मस्त लगेंगे। ब्लैक कलर की फ्रेम लगाते हैं, ब्राउन या ब्लैक, ब्लैक से ही लगेंगे ना ये वॉल का ना, ये वॉल मतलब ये वॉल फेमस है बिल्कुल, ये वॉल लाखों लोगों ने देखा है, बहुत सारे जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो यहीं पर आकर सेल्फी लेते हैं, और बहुत फेमस वॉल है। अगर दो सेल्फी वॉल होने वाली है इधर और इधर, और अगर आपको ये फोटोज चाहिए तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और हाँ ये चीज़ तो मैं बताने ही भूल गया कि हमने YouTube के साथ है ना एक टाई अप किया है, और आपको अभी है ना नीचे देखिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। YouTube जो है वो हमारी वेबसाइट को प्रमोट करेगा हमारे हर वीडियो में, और उसके लिए धन्यवाद YouTube। रेट तो बहुत बढ़ गया यार, पहले हम इतना रेट नहीं होता था, लेकिन अभी रिसेंटली हर वाले मेरा भी बना नहीं, हर चीज का रेट बढ़ता ही जा रहा है। आप कैसे हो? कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो बस निकले थे कहीं, आईफोन कट लिया मैंने सोना है, दिखाओ तेरा सब मतलब तरक्की पे हैं, ये देखो भाई गजब। एट्रोसिटी एक से एक पूरा कोर्ट भरा हुआ है, इतना काम है। अच्छा, पूरा जज को डेट बढ़ानी पड़ती है। एट्रोसिटी एक्ट के लिए मैंने सुना है अलग से कोड होता है। हाँ, स्पेशल कोड होता है। स्पेशल कोड होता है। हाँ, एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है तो स्पेशल कोड बना गया। तो मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा सा फील होता था कि जो लोग पढ़े लिख गए हैं ना वो लोग जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन क्या है ना वो जातिवाद करते नहीं है, उनके ना दिमाग में बैठ चुका है। और ये चीज मुझे है ना इनके ब्लॉग देख कर ऐसा लगा, मुझे दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, 9:20 इन द मॉर्निंग, बस चाय पी कर कहीं निकलना है, एक मीटिंग है। और एक चीज रिलाइज कर ली, कल दिन में जब दो बार जिम गए थे ना भाई, इतना स्टड नहीं बनना चाहिए, हालत फटी हुई है। इनको देखा कभी? नहीं देखा। इनको है ना 76 लाख लोग फॉलो करते हैं, और कल किसी ने मुझे कमेंट करके बोला भैया देखो तो जरा भाई साहब बोल क्या रहे हैं, और मैं ज़्यादातर इनकी टांग खींचता रहता हूँ क्योंकि इनके काम ऐसे हैं। यहाँ पे ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि समाज में जो है ना ये जो अपराध होते हैं ना ये कम होने चाहिए, ताकि पुलिस के ऊपर दबाव कम हो, पुलिस के ऊपर कम काम हो, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। लेकिन बोलते बोलते इनने क्या बोल दिया, फायदा तो बहुत है, जब तक पहनोगे नहीं चेन स्नैचिंग नहीं होगी, तुम एक तरीके से दिल्ली पुलिस पूरे समाज का भला कर रही हो, FIR कम होगी, चोरी चमारी कम होगी हमारे देश में, तो इसलिए उसको घर पे रखो। क्या बोला इनने? चोरी चमारी। अब ये तो मुझे लगता है कि है ना लोगों के दिमाग में बैठ गया है, अब इसको खुद को नहीं पता होगी क्या बोल गया। ये शब्द बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, और इसके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है
इनको सजा हो सकती है? यस सजा हो सकती है, सजा हो सकती है, कंफर्म बात है। अभी हाई कोर्ट के वकील हैं, ये बोल रहे हैं कि इनको सजा हो सकती है, लेकिन आपको पता है इसकी, ये इसके लिए पिटीशन डालेगा कौन? नॉर्मल व्यक्ति तो डालेगा नहीं, उसका वैसे ही पैसा नहीं होता, गरीब व्यक्ति डालेगा नहीं। गौरव तनेजा भैया हैं, ये IITian है, मतलब IIT खड़गपुर से पढ़कर निकले हैं, और मैं काफ़ी टाइम से इनको फॉलो कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जब मैं इनकी देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी इस तरह की चीज़ें रखता है। मतलब बचपन से उनको यही सिखाया गया है या उनके आसपास जो है उसी तरह की बातें होती होंगी और इस वजह से वो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये हमारे रतन भाई हैं, एडवोकेट हैं, ये बोल रहे हैं कि ऊपर केस हो सकता है। चलो ठीक है भाई, इसने जाना है, इन्होंने मेरी चेन तोड़ दी थी, फिर पहने नहीं पता फायदा क्या। फायदा तो बहुत है, जब तक पहनोगे नहीं चेन स्नैचिंग नहीं होगी। तुम एक तरीके से दिल्ली पुलिस पूरे समाज का भला कर रही हो, FIR कम होगी, चोरी चमारी कम होगी हमारे देश में, तो इसलिए उसको घर पे रखो, उसको पहनने की जरूरत नहीं है, बहुत फायदा है। क्लियरली एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि आप जैसे लोग जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आपके फॉलोअर्स को है ना वैलिडेट करता है कि जो शब्द आप बोल रहे हो वो सही है, और ये नॉर्मल बात है, ऐसे बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बात गलत क्या, उन्होंने एक जाति का नाम ही तो लिया है, लेकिन क्या है ना, आपने एक जाति का नाम एक ऐसे काम के साथ जोड़ा है जो कि खराब है, जो कि गंदा है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, और वैसे ही आप उस जाति को भी नीचा दिखा रहे हो, उसमें ये गलत है। हमारा जो कानून सिस्टम है ना वो इतना रद्दी है, इस कुछ 4 महीने में मैंने जाना, मेरा कभी भी किसी भी कानून वाले मामले से कभी पाला नहीं पड़ा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि जो आप अगर सही हो ना तो उसको साबित करना पड़ता है, अगर आप गलत हो ना तो आपको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप सही हो और वो जो सबूत आपको पुलिस के सामने पेश करने हैं ना, वो पेश करने के लिए हालत ख़राब हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इस केस में अभी अगर फ्लाइंग व्हिस्क के ऊपर कोई पिटीशन डालता है ना कि इस पे फ्लाइंग व्हिस्क को कुछ सजा होनी चाहिए, तो कोई कितनी भी ताकत लगा ले फ्लाइंग व्हिस्क को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेगा बचने का वहाँ से। ये देख रहे हो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम आते ही चालू हो गया, करोड़ों साल बाद अपने स्टूडियो में आया हूँ, हालत ठीक ठाक है, और बताया क्या है, हम टॉयलेट को रिनोवेट करवा रहे हैं, नीचे की नई टाइल्स लगवा रहे हैं, और यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट, पहले भी थी लेकिन नया। ये है अक्का का बाथरूम, अक्का ये तो वाइट हो गया पूरा, ये डॉगी आ गया। पापा, आपकी मोजे की खजूर सूख गया भाई। ये अक्का का बाथरूम है, अक्का बोल रही थी मैं यहाँ टेबल लगा लूंगी और यहीं बैठ के पढ़ूंगी। ये है आयना का बाथरूम, है ना, यहाँ पे आपको पॉटी कहाँ करोगी? अभी बनने तो दो, इसके अंदर करूंगी। अच्छा। और टॉयलेट पे बन नहीं, ये ऐसे ही होता है, पता है इतना ही बनता है, और क्या, और वो नल लगाइए वहाँ पे टॉयलेट में पॉटी करते हैं। टॉयलेट पे पता है ब्रश कहाँ है? नहीं लगेंगे अभी तो, बाथरूम का सुंदर सा है तो। तो ये तो दिखाई नहीं मैंने, अभी रिसेंटली मैंने जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया, एयरटेल का तो लगा ही था पहले से। खाओगी क्या आपका रोल? ओ, ये वो है क्या? हाँ ये वही वाला है, सबसे टेस्टी वाला। अरे यहाँ तो मेरा है उसमें से तो आधा ही तो है। अच्छा छोटा हाथ तो देता है। अच्छा देखो मेरा बफर, बफर खा लो। हेलो बहन जी, आपके लिए और खाना ले आया मैं। आज रवीश कुमार भी लगाएंगे, आज नेटफ्लिक्स लगाएंगे, ठीक है, नेटफ्लिक्स देखेंगे आज। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।